जय श्री कृष्णा स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो एक महान शासक सिकंदर की है। तो ये महान शासक सिकंदर जो अपने जीवन काल में जिसने क्या किया और उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। एक महान शासक सिकंदर, तो इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि सिकंदर आजम को विश्व विजेता कहा गया। एक बार सिकंदर महान सारी दुनिया को जीतता हुआ भारत के उत्तर पश्चिम के व्यास नदी के पास पहुंचा, तो फौजों ने उसे आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मतलब वो इतना महान शासक था और उसने विश्व विजेता इसे कहा जाता है और इसने पूरी दुनिया को जीत लिया था ऐसा कहा गया है। लेकिन जब ये भारत में उत्तर पश्चिम में पहुंचा तो व्यास नदी बहुत बड़ी थी और उसकी फौजें जो थी वो बहुत थक चुकी थी। तो उन्होंने बोल दिया कि इस नदी को पार करना हमारे लिए नामुमकिन है, हम बहुत ही मुश्किल है। तो मजबूर होकर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। तो इस तरह से सिकंदर पूरे विश्व जीता होने के बाद में यहाँ पर भारत में आकर और वो वापस लौटा। और फिर एक दिन वो ज्योतिषी के पास गया क्योंकि उसे डर था कि उसकी मौत कब होगी। तो उसने ज्योतिषी से पूछा कि मेरी मौत कब होगी। तो ज्योतिषी ने हिसाब लगा कर देखा कि उसकी उम्र तो बहुत थोड़ी सी है, लगभग ख़त्म हो चुकी है। ज्योतिषी ने सोचा कि झूठ कहूँगा तो अब सही नहीं होगा। लेकिन उसे अपनी जान का भी खतरा था कि वह ज्योतिषी अगर कहेगा कि मैं तुम्हारी मौत बस होने ही वाली है, तुम अभी मरने वाले हो, तो वो ज्योतिषी को ही मार देगा डालेगा। तो इसलिए ज्योतिषी ने बहुत समझदारी से सोच विचार कर कहा कि आपका समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी मौत तब होगी जब आसमान सोने का होगा और ज़मीन लोहे की होगी। तो तब वह सिकंदर बहुत खुश हो गया कि आसमान सोने का होना और ज़मीन लोहे की होना बहुत ही नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वह ज्योतिषी से भी खुश हो गया और उसको ये भी नहीं समझ में आया कि उसकी मृत्यु अब बस होने ही वाली है। तो इस तरह से वो सिकंदर जिसने पूरे विश्व को एक बार दुनिया को जीत लिया था और जिसे हम सिकंदर महान कहते हैं, महान सिकंदर शासक कहा जाता है, तो उसने सिकंदर खुश होकर और कहने लगा कि तब तो कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि न तो कभी आसमान सोने का होगा न ज़मीन लोहे की होगी, इसलिए मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसा उसने सोचा। फिर आगे क्या हुआ कि एक बार जब सिकंदर महान पश्चिम फ्रांस जाते हुए सिस्तान के रेगिस्तान में से गुजर रहा था तो उसे मलेरिया हो गया। पीछे पीछे फौजें चल रही थी, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया तो बुखार तेज हो गया उसका। फौज काफ़ी पीछे रह गई थी। सिकंदर ने वजीर से कहा, वजीर उसके साथ में था, वजीर से कहा मुझे तो बुखार हो गया है। वजीर ने कहा बादशाह सलामत, दो चार मील और आगे चलो, कोई पेड़ दिखेगा और वहीं पर आराम कर लेंगे। ठीक है, सिकंदर तो फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब आगे गया तो बुखार और भी तेज हो गया उसका। सिकंदर ने वजीर से कहा अब मुझसे ये बुखार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और सिकंदर महान घोड़े से नीचे उतर गया और उसने कहा कि लो ये मेरा घोड़ा पकड़ लो, मैं आगे एक कदम भी नहीं चल सकता। वजीर के पास कुछ भी उसके पास बिछाने के लिए नहीं था, क्योंकि सारी जो फौजें थी वो पीछे रह गई थी। ऐसे में वजीर ने अपना जो कवच था जो लोहे का बना हुआ था उसी को उसने बिछा दिया उसके नीचे। और वजीर ने जब वो लोहे का कवच उतार के बिछाया तो बादशाह सिकंदर उस पर लेट गया। दोपहर का वक्त था और बहुत तेज की गर्मी पड़ रही थी। तो गर्मी ऐसी कंडीशन में वह कोई भी पेड़ का नामो निशान नहीं था और फौजें बहुत पीछे थी, तो सिकंदर के लिए जो व्यवस्था उनके साथ में चलती है वो सारी जो व्यवस्था थी वो बहुत पीछे थी। ऐसी कंडीशन में वो उसको बहुत धूप पड़ने की वजह से वो उसको छांव कैसे करे। तो उसने उसको उसके ऊपर लेटा दिया और वह सोचने लगा कि अब छांव के लिए क्या किया जाए।
कहीं पे भी पेड़ों का नामो निशान नहीं था, पेड़ बहुत रेगिस्तान था और रेगिस्तान में तो पेड़ दिखते ही नहीं है। तो वर्जिन ने छाँव के लिए क्या करे, तो उसने छाया के लिए बादशाह के ऊपर सोने की एक ढाल कर दी। तो सोने की ढाल कर दी, बादशाह सोचने लगा कि ज्योतिषी का कहना सच हो गया है, इस समय मेरी जमीन लोहे की है और आसमान सोने का है, शायद अब मेरे मौत होगी। इतने में सारी फौजें हकीम वहाँ पहुँच गए। सिकंदर ने कहा, मेरी नब्ज़ देखो। हकीम ने नब्ज़ देखकर कहा, जनाब अब बहुत देर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दूंगा, मुझे मेरी माँ से एक बार मिलना है। हकीम ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है जनाब। तो सिकंदर ने फिर कहा कि मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दूंगा, मैं कैसे भी गुजारा कर लूँगा, एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो। हकीम ने कहा, अब आपकी अवधि पूरी हो चुकी है, अब एक सांस भी आपको नहीं मिल सकती। तो ये थी सिकंदर की कहानी। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि इस जीवन में के लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हर एक सांस बहुत कीमती होती है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन में सदा अच्छे काम करने चाहिए। और जीवन जब सिकंदर मरा, तब उसकी अंतिम तीन इच्छाएं थी। वो तीन इच्छाएं थी कि पहली थी कि जिन हकीमों ने मेरी बीमार रहने पर इलाज किया है, वह मेरी जनाजे को कंधा दे, ताकि दुनिया को पता चले कि वेद भी जो रोगों का इलाज करते हैं, वो भी मौत को नहीं हरा सकते। दूसरी इच्छा थी उसकी कि मेरे जनाजे की राह में वो सारी दौलत बिछा दी जाए जो मैंने पूरे जीवन भर में इकट्ठा की है, ताकि लोगों को पता चले कि जब जीवन समाप्त होता है तो ये दौलत भी साथ नहीं आती। और तीसरी जो इसकी इच्छा थी, महान सिकंदर का जनाजा एक जब बाहर निकले तो उसके दोनों हाथ बाहर की तरफ निकाल दिए जाए, ताकि सबको पता चले कि इंसान धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो इस तरह से हमने सिकंदर के बारे में पूरी जानकारी आपको दी। इससे आपको पता चला कि सिकंदर कितना महान था, और उसने सब कुछ पूरी दुनिया को विजय करने के बाद भी, वो जब उसको मृत्यु आई, उसको बहुत ही कम समय में, उसने 10 साल में ही उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, और उसके बाद में उसकी मृत्यु भी बहुत ही जल्दी हो गई थी। तो उसने जब उसकी मृत्यु हुई, तब तक उसने बहुत सारी दौलत जो थी वो जीत ली थी, और उसके पास बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारे हकीम थे, सब कुछ था, लेकिन वो अपने जीवन जो मृत्यु को नहीं हरा सका। उस समय उसने सिकंदर ने उसकी अंतिम तीन इच्छाएं रखी, कि उसे फर्स्ट कि उसको उसके वेद जनाधे पे कंधा दे, दूसरा उसकी सारी दौलत जो है वो बिछा दी जाए, तीसरा महान जो सिकंदर है उसके जब जनाजा निकले तो उसके हाथ बाहर की तरफ निकाल दे, ताकि लोगों को पता चले कि वो खाली हाथ आया था, मतलब सभी व्यक्ति खाली हाथ आते, खाली हाथ जाते, कोई भी यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकता। तो ये सिकंदर की स्टोरी कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।